हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी और जालीदार है, कितना सॉफ्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लें, उसमें रख लें जाली, और जाली में हम सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करेंगे। 2 कप मैदा लिया है मैंने, उसके साथ ही यहाँ पर 3/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें फ्रेंड्स। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान लेंगे। छानने से ही हमारा जो केक है परफेक्ट जाली आती है और स्पॉन्जी बनता है। तो ये स्टेप आप ज़रूर करें फ्रेंड्स। अब इन सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विस्क या स्पून की मदद से आप इसे मिक्स कर लें और अब इस मिक्सचर को एक तरफ रख देंगे और एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लें। अब इसमें डाल देंगे 150 ग्राम के करीब बटर और इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे शुगर। 2 कप मैदा में मैंने 1.5 कप शुगर लिया है जो परफेक्ट है। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि अच्छे से ये फ्लफी ना हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से इसका फोमी टेक्सचर लग रहा है। इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 3 eggs और अब इसके साथ दोबारा इसे बीट करेंगे। तीन से चार मिनट तक इसे अच्छे से फ्लफी होने तक, अच्छे से मिक्स होने तक, इसको अच्छे से बीट करने के बाद अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और उसको मिक्स कर लें। तो ये देखिए एक अच्छा सा फ्लफी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स किए थे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। तो ब्लेंड लगातार करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा ड्राई मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से हम इसे बीट करेंगे जब तक कि सारा जो ड्राई मिक्सचर है इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखें मिक्स करते करते सारा मिक्सचर कितना थिक हो गया है। तो अब इसको हम परफेक्ट कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम इसमें मिक्स करेंगे दूध। तो यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अगर इससे ज़्यादा भी ज़रूरत हुई तो हम और लेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाएं। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब इसमें बाकी का दूध भी हमने ऐड किया है और अगर इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं बनी तो हम और भी दूध इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट करके भी हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्मूथ लग रहा है इसका जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो हम इसे ब्लेंड करना बंद कर देंगे, इसे निकाल लें और स्पून से हम चेक करेंगे क्या हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिल गई है। तो ये देखिए जिस तरह से ये गिर रहा है, जिस तरह से ये बन रहा है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। आप एक बार फिर देखिए। तो अब हम इसे साइड कर देंगे और हम वो केक का टिन लेंगे जिसमें हमें, जिस मोल्ड में हमें केक बनाना है। तो पहले इसे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो बटर पेपर लगा लें या इसमें मैदा डस्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है जिससे कि नीचे से आसानी होगी निकालने में और ये इससे चिपकेगा नहीं। अब इसके बाद इसमें जो सारा मिक्सचर हमारा रेडी हुआ है उसे इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से ये धार बन रही है। इसी तरह से मिक्सचर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमारा जो केक है वो परफेक्ट जाली आएगी और अच्छा स्मूथ बनेगा। इसके बाद मिक्सचर को अच्छे से टैप करें ताकि नीचे से भी अच्छे से सेट हो जाए। ग्रीजिंग हमने अच्छे से की है, अगर ये बेक हो जाता है तो अच्छे से निकल आएगा। तो इसे टैप कर लें। अब यहाँ गैस पर मैंने एक वेसल को रख दिया था, स्टैंड लगा दिया, 5 मिनट प्री हीट कर लिया है इसको मीडियम फ्लेम पर। अब इसके बाद इसमें जो मोल्ड है हम उसे रख देंगे और 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे बेक करेंगे।
45 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हुआ हुआ लग रहा है। तो एक बार हम इसे वुडन स्टिक या स्क्यूअर से चेक कर लेंगे। अगर ये क्लीन है तो इसका मतलब ये पूरी तरह से अच्छे से बेक हो चुका है। तो ये पूरी तरह से क्लीन आई है फ्रेंड्स। अब इसको इसमें से निकाल लेंगे और एक तरफ रख देंगे। 5 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट जाली आई है, आप देख सकते हैं किनारों पे कितना फ्लफ़ी लग रहा है। चलिए इसे कट करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना स्पंजी है, कितना सॉफ्ट है। चॉकलेट केक का परफेक्ट बेस बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।